Hey, what's up, everybody? कैसे हो आप सब? वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा चैप्टर का नाम क्या था? सोलर सिस्टम, ठीक है, हमारा सौर मंडल। तो देखिए लास्ट टॉपिक है सैटेलाइट, ठीक है। तो देखिए, रिया रीड इन अ बुक दैट जुपिटर हैज मोर देन 70 मून्स। रिया अपनी बुक में पढ़ती है कि जुपिटर, जुपिटर क्या एक प्लैनेट है, हा? तो उसके पास क्या है? हैज मोर देन 70 मून्स, उसके पास 70 मून, 70 मून से भी अधिक चंद्रमा है। तो शी वॉज सरप्राइज्ड एंड टोल्ड हर मदर, भाई वो आश्चर्यचकित होती है और अपनी माँ से कहती है, लगे अबाउट इट, उसके बारे में कहती है कि हर मदर, फिर हर मदर टोल्ड हर दैट, फिर उस उनकी जो माँ है, रिया की माँ है, मतलब कहती हैं कि दैट इज मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट। मून क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट है। नेचुरल सैटेलाइट मतलब कि प्रकृति क्या उपग्रह है, ठीक है। अब देखिए, सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड देयर रेस्पेक्टिव प्लैनेट्स एज द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। जैसे कि देखिए, हम लोग जानते हैं शुरुआत में कि सूर्य के चारों ओर सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं, ठीक है। सूर्य के चारों ओर प्लैनेट मूव करते हैं, ठीक उसी तरीके से प्लैनेट के जो प्लैनेट है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस, नेपच्यून, ठीक है, तो ये प्लैनेट हो गए हमारे 8। अब इन 8 प्लैनेट के जो इनके ग्रह हैं, इनके खुद के ग्रह हैं, वो इनके चक्कर लगाते हैं, मतलब इनके अराउंड वो घूमते हैं। जैसे देखिए, ये सन है, ठीक है, तो इसके अराउंड कौन घूमता है? देखिए, अर्थ ऐसे से घूमता है, ठीक है, अर्थ सन के अराउंड घूमता है। अब देखिए, ये जो हमारा क्या अर्थ है, अर्थ का जो नेचुरल सेटेलाइट है वो हमारा मून है। अब मून क्या करता है? मून इसके चक्कर लगाता है, मून अर्थ का चक्कर लगाते हुए वो घूमता रहता है। तो इसीलिए कहा गया कि सेटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड देयर रिस्पेक्टिव प्लैनेट, अपने अपने ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, एज द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, जैसे कि प्लैनेट सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब रियाज मदर ऑल्सो टोल्ड, रिया मदर उनको यह और भी बताती हैं कि दैट वीनस हैज नो सैटेलाइट एट ऑल, वीनस के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है, ठीक है, मतलब कि वीनस हैज नो सैटेलाइट। सैटेलाइट ऑल्सो डू नॉट हैव दियर ओन लाइट, सैटेलाइट से मतलब कि जो उपग्रह हैं उनके पास भी खुद की रोशनी नहीं होती, जैसे कि चंद्रमा, मैंने पहले भी बताया कि चंद्रमा, मून हैज नो लाइट। अब देखिए, दे रिफ्लेक्ट द सन लाइट एंड शाइन, वो सूर्य की रिफ्लेक्शन से वो चमकते हैं। अब देखिए, नोट ऑन योर पेजेस, द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून क्या है? नेचुरल एक प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लूना, इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? लूना के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड लूना। इट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन, हम लोग जानते हैं कि मून के पास कोई भी लाइट नहीं है, वो सन की रिफ्लेक्शन की वजह से ही वो चमकता है। वी सी इट, हम देखते हैं उसको, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। द मून हैज नो एटमोस्फियर एंड नो वाटर, मून के पास ना कोई एटमोस्फियर है ना कोई पानी है वहां पे। भाई पृथ्वी तो पर्याप्त है, पर्याप्त वातावरण है हमारे पास, पर्याप्त पानी है, लेकिन चंद्रमा के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज अ प्लेस विथ वेरी हाई माउंटेन्स एंड डीप क्रेटर्स इन द ग्राउंड, वहां पे लेकिन हाई माउंटेन मतलब कि वहां पे पर्वत हैं, जैसे कि यहां पृथ्वी पे पर्वत हैं, तो इसी तरह चंद्रमा पे भी पर्वत हैं। और क्या है? डीप क्रेटर्स इन द ग्राउंड, मतलब कि ग्राउंड में, जमीन में, चंद्रमा की जो जमीन है उसमें क्या डीप क्रेटर है, मतलब कि बहुत ही गहरे गहरे गड्ढे हैं, गहरे गहरे गड्ढे हैं उसमें खूब। तो द कैविटी ऑफ द ऑन द सरफेस, द कैविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून आर कॉल्ड द क्रेटर, जो कैविटी बनी हुई है उसके अंदर, उसको हम लोग क्रेटर के नाम से जानते हैं। अब देखिए, सम ऑफ द माउंटेन्स ऑन द मून आर इवन टॉलर देन दोज ऑन द अर्थ, कुछ ऐसे माउंटेन है चंद्रमा पर जो पृथ्वी पे जो माउंटेन है उनसे भी लंबे लंबे हैं। अब द मून टेक्स, देखिए, द मून टेक्स 27.35 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, मतलब कि चंद्रमा जो है
कितना 27.35 डेज लेता है, कब लेता है, कब अराउंड रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में 27.3 डेज लेता है वो, ठीक है। अब देखिए आप लोग एक बात और जान लीजिए कि द हॉटेस्ट प्लैनेट इज नॉट द क्लोजेस्ट टू द सन। जो आप लोग सोचते हो कि भाई जो हमारा सौरमंडल है, मरकरी जो है, मरकरी सबसे बहुत ही क्लोजेस्ट प्लैनेट है, मरकरी तो भाई क्लोजेस्ट प्लैनेट है लेकिन वो सबसे गर्म नहीं है। तो देखिए कौन गर्म है फिर, ऑल्दो मरकरी इज क्लोजेस्ट टू द सन, स्टिल वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। लेकिन जो मरकरी के बाद वीनस आता है वो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारे सौरमंडल का, ठीक। क्यों? क्योंकि कुछ वो जो वीनस का मटेरियल जो है, जो प्लैनेट है, वो उसका मटेरियल क्या है, थोड़ा कुछ ऐसा बना हुआ है कि वो हीट को बहुत तेजी से एब्जॉर्ब कर लेता है, इस वजह से वो हॉटेस्ट प्लैनेट है और हमको शाम के समय या सुबह के समय हमको दिखाई देता है, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई है आप लोगों का, यहाँ चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 11 आवर सोलर सिस्टम, और इसको पढ़िएगा, जहाँ ना समझ में आए आप हमसे पूछिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।